देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। एक बात कही जाती है कि युद्ध और प्रेम एक जैसा होता है। सुनिएगा, आग पर हाथ धरना पड़ेगा तुम्हें, आग पर हाथ धरना पड़ेगा तुम्हें, खुद को लाचार करना पड़ेगा तुम्हें। जिंदगी तो कहेगी मोहब्बत करो, फिर मोहब्बत में मरना पड़ेगा तुम्हें। और कोई आप जैसे पद ऐसे ही नहीं पा जाता। मैं अपने लिए पढ़ता हूँ, लेकिन आज पूरी इंडियन आर्मी की तरफ से, के लिए, पूरे देश की तरफ से मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। सुनिएगा कि तोड़ कर कोई मानक नहीं आए हैं, तोड़ कर कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से कथानक नहीं आए हैं। जिंदगी ने मुसलसल पुकारा हमें, आंसुओं ने मुसलसल पुकारा हमें, आपने ही मुसलसल पुकारा हमें, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं, हम यहाँ तक मैं कुछ मुक्तक है मेरे, आज सबसे सही समय है, देश के सारी सेना के लोग और सबसे महनीय लोग यहाँ पर हैं। बस मेरा आपसे निवेदन ये है, इसके आखिर में एक दो शब्द आते हैं तुम्हारे लिए। मैं पहले शुरू करता हूँ, आप साथ में गाइएगा आने वाली मुक्तक में, मैं आपको बताते जाऊँगा। सुनिएगा कि मुझ में थी एक विकलता बेचैनी, मुझ में थी एक विकलता तुम्हारे लिए, अब तुम्हारे लिए पकड़िएगा, मुझ में थी एक विकलता तुम्हारे लिए, द्वार दीपक सजलता तुम्हारे लिए, और जो होता पता तुम यहीं आओगे, मैं ना घर से निकलता तुम्हारे लिए, मैं ना घर से निकलता तुम्हारे लिए। और सुनिएगा कि कितने चेहरे हम कभी क्या करते हैं, कितने चेहरे बनाए तुम्हारे लिए, कि कितने चेहरे बनाए तुम्हारे लिए, सारे कर्तव्य दिखाए तुम्हारे लिए, यूं तो दुनिया को भी खूब भाए मगर हम कहानी में आए तुम्हारे लिए, हम कहानी में आए। और मेरा ये मुक्तक शायद मेरे जीवन का सबसे सही मौका यही है जब मैं इस मुक्तक को पढूं। आप सेना के लोग हैं, आप जीवन की सारी स्थितियों जिसमें युद्ध भी आता है उससे परिचित हैं, आप किसी के प्रति अपना सबसे बड़ा समर्पण कैसे व्यक्त कर सकते हैं। सुनिएगा कि युद्ध की ओर बढ़ता तुम्हारे लिए, युद्ध की ओर बढ़ता तुम्हारे लिए, जीतता या के मरता तुम्हारे लिए, अब सुनिएगा, जीतता या के मरता तुम्हारे लिए, और सुलह की जो उम्मीद होती तो मैं तुमसे भी बात करता तुम्हारे लिए।